ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिनचर्या भी जो है वो बहुत ही अच्छे से आप कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी दिनचर्या ही आपकी जिंदगी का भविष्य का जो आपका भविष्य कैसा होगा इसका निर्धारण करती है। तो होप कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार में भी आप सभी के बिल्कुल सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बैचेस है जो कि SSC, CGL और CHSL के लिए स्टार्ट किए जा चुके हैं 29 सितंबर से। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही के साथ यहाँ पर और भी बैचेस हैं जो कि आपके लिए सभी एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। ये दिया गया है आपके डाउट एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन। तो अगर किसी भी सवाल को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास में अपने टीचर को स्क्रीनशॉट भेजकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो जिस भी टीचर के साथ आप यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं उनके साथ कर सकते हैं। साथ ही के साथ यहाँ पर SSC के लिए, अगर हम SSC की बात करें तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेते हो, चाहे वो 24 मंथ का हो, 6 मंथ का, 12 मंथ का, या फिर जो भी आप लोगे उसमें आपको एक्स्ट्रा मंथ दिए जाएंगे इसलिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप सभी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा आराम से पढ़ाई करो, तैयारी करो, जम के सिलेक्शन लो और धूम मचा दो, है ना, धूम मचा दो। चलिए तो साथ ही के साथ यहाँ पर SSC कॉम्बैट एग्जाम कराया जाता है, जिसमें 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, 50 मिनट्स का आपके पास समय होता है। एवरी संडे, हर संडे को किया जाता है, और कितने बजे, 12 बजे। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा KHUSH0122, ये मेरा कोड है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इसमें जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसकी एक रैंकिंग निकाली जाएगी, और उस रैंकिंग के आधार पर क्या दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। और देखो, एक बार नहीं है, हर संडे को होता है, तो बार बार इसमें जाकर टेस्ट देना है और पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जरूर से करना है। 12 बजे संडे के लिए अभी से एनरोल कर लो जाके। अब हम बात करें यहाँ पर SSC सब्सक्रिप्शन की, तो SSC सब्सक्रिप्शन आपके कुछ दिए गए हैं 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 0122, ये इसका अगर इस कोड का यूज करते हैं तो ये आपको देगा 10% का डिस्काउंट, है ना। क्यों देना है, 10% की छूट मिल रही है ना, कुछ पैसा बचेगा ना, कुछ पॉकेट मनी बचेगी, उसका यूज करना कहीं अच्छी जगह, कुछ और करना, जिससे कि 10% जो बचेगा उसे कॉपी पेन खरीदना या फिर कुछ भी करना, ठीक है। तो इस चीज का बेनिफिट जरूर उठाइए और सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर सेशन। और ओके चलिए, तो पहला सवाल है यहाँ पर कि रेल बजट, अगर हम रेल बजट की बात करें तो रेल बजट जो है ये राज्य के बजट का हिस्सा होता है। मतलब कि रेल बजट की अगर हम बात करें तो एक बजट प्रस्तुत होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, है ना, हर साल सरकार क्या करती है, एक बजट प्रस्तुत करती है। तो एक तो हो गया केंद्रीय बजट, है ना। उस केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो क्या उसी में शामिल होता है, राज्य के बजट का हिस्सा होता है, या फिर केंद्र और राज्य बजट अलग अलग आता है, या केंद्रीय बजट से अलग आता है, या केंद्रीय बजट का भाग है। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है, सेंट्रल जो बजट आता है उसी के साथ में होता है। बजट क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं उन पे कितना खर्च होना है, कितना आय और व्यय होना है, वो सबका निर्धारण किया जाता है। तो रेल पे भी होता है, रेलवे का किस किस चीज में कितना कितना पैसा खर्च करना है, है ना, कितना डेवलपमेंट किस किस जगह पे करना है, सभी चीजों को डाला जाता है बजट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूँ रेल बजट की, तो सबसे पहला जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1924 में, ठीक है। 1924 की अगर आप बात समझेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये आजादी से पहले की बात है, है ना। और यहाँ पर इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने की थी। लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले क्या था, रेल का बजट और केंद्र बजट जो था, रेल बजट और केंद्र का जो बजट है वो अलग अलग था, ठीक है, अलग अलग हुआ करता था। अब क्या है कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, केंद्र बजट का ही
भाग है। और ये किया आपका 2016 में, जिसको किसने प्रस्तुत किया था, जो रेल बजट किया था, वो किया था आपके अरुण जेटली जी ने। ठीक है, अब तो ये नहीं रहे हैं, लेकिन किसने किया था, तो अरुण जेटली। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूध में क्या है, एक तरीके के बैक्टीरिया जो हो जाते हैं या फिर डिजीज को हो जाता है, और दूध में क्या करना, वैधता बनाना, ठीक है, वैलिडिटी को बढ़ाना। तो ये प्रक्रिया जो है ये किसके द्वारा की जाती है, पाश्चरीकरण के, हाइड्रोजनीकरण के, संक्षेपण के या फिर वाष्पीकरण, ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इसको क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए आपको पढ़ना है, कि ऐसा नहीं है कि इसका रोग का ये है, इसका ये है, ये इस रोग से होता है, नहीं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर जो है वो है आपका पाश्चरीकरण। ठीक है, पाश्चरीकरण जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया, लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है, जो कि खाद्य पदार्थों में क्या करता है, रोगजनक को नष्ट करने के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद, दूध आपने देखा होगा कि उसको बॉईल किया जाता है, अगर वो बॉईल नहीं हो तो वो खराब हो जाता है, अगर वो बॉईल कर दिया जाता है तो उसकी जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, और उसी प्रक्रिया को, मतलब दूध को उबालना, इसी तरीके की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि लिया और भगोने में या जो भी बर्तन आपके घर में यूज होता है उसमें डाल के पतीले में दूध गर्म कर दिया, एक तरीके की प्रक्रिया है, लेकिन उसको अलग लेवल पे, अलग मतलब एकदम से गर्म किया, बहुत गर्म किया जाता है, फिर अचानक से ठंडा किया जाता है, तो ये प्रक्रिया है जो आप क्या आता है। अगला सवाल है आपका कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, मटकी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है, जल्दी से यहाँ पर बताइए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश, बताइए जल्दी से यहाँ पर आप सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मटकी जो है बेसिकली यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, नृत्य शैली है मध्य प्रदेश की। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश की। ये बेसिकली आपने देखा होगा कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, महिलाएं करती हैं, किसी का जन्मदिन हो गया या फिर कोई विशेष शादी हो गई या कोई विशेष कार्यक्रम हो गया, तो उस दौरान ये किया जाता है, और कहाँ पर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है। ठीक है, जीएसटी लागू करने के बाद भारत जो है वो क्या बन गया, विभिन्न भिन्न बाजारों का एक समूह, एक पूर्वी और पश्चिमी बाजार, एक दक्षिणी और उत्तरी बाजार, एक सामान्य बाजार, जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। जीएसटी की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और इसने क्या किया है, इसने एक सामान्य मार्केट को ओपन किया है। ठीक है, क्या किया है, सामान्य मार्केट को ओपन किया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल है कि बंगाली के लिए साहित्य अकादमी 2017 का विजेता कौन है। देखो बेसिकली ये पुरस्कार जो क्वेश्चन है ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 का है, जो कि अभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इसलिए यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पर 2017 का नहीं पूछा जाएगा, याद रखना, और यहाँ पर 17 पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन अहमद है, तो बी आंसर यहाँ पर जो करंट में होगा आप उसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना, खाना बनाना क्या है, सन की लाइट आ रही है और अपना फूड बना रहे हैं, तो प्रकाश की ऊर्जा को वो किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक, थर्मल, गतिज, भौतिक, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि खाना जो पकता है वो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, सूर्य से रोशनी आ रही है और उसके चलते प्लांट्स क्या कर रहा है, अंदर फूड बना रहा है। ठीक है, तो ये कैसी है, एक केमिकल रिएक्शन है, है ना, क्योंकि क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से तैयारी करते रहो क्योंकि टाइम जो है
मैं बोलती हूँ कि सफिशियंट टाइम है, लेकिन एक चीज है कि वो सफिशियंट टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ढंग से पढ़ाई करो, ढंग से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि 1965 में भारत और पाक के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब 1965 में, उस समय जिन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था इस युद्ध का, वो कौन थे। तो 1965 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो युद्ध चला था, अगर आपने देखा होगा तो एक मिस्ट्री है कि एक किसको लेकर, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी जाकर ताशकंद, ठीक है, 1965 में गए ताशकंद और वहां पर जाकर इन्होंने समझौता किया, तब जाकर क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ था इसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसी दौरान क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक मिस्ट्री है कि अभी तक एक्जेक्टली नहीं पता चला है कि वहां पर ऐसे क्या घटना घटित हुई है जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आप सभी का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। और याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जो धार्मिक स्थान पर राज्य को अलग करने की वकालत करता है वह क्या कहलाएगा। एक व्यक्ति है वो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करना चाहता है, मतलब कि धार्मिक आधार पर वो क्या करना चाहता है, एक अलग राज्य का निर्माण करना चाहता है। जैसे मान लो कि कुछ लोग किसी स्पेसिफिक एक धर्म को मानने वाले हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें धर्म के आधार पर हमारा अलग राज्य होना चाहिए। जैसे मान लो कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाए और कहें कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, सारे बौद्ध एक तरफ हो जाए, वो कहें कि नहीं हम एक अलग राज्य बनाएंगे, इसी तरीके सिख हो जाए अलग अलग। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको वकालत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, सांप्रदायिक, समाजवादी, नारीवादी या धर्म निरपेक्ष। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या है, धार्मिक संस्थानों से राज्यों को अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, धर्म निरपेक्षता की बात की है, धर्म को लेकर निरपेक्ष रहना है, ठीक है, धर्म को लेकर क्या करना है, राज्य से धर्म को अलग करना है, राज्य अलग रहेगा धर्म अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर है। देख लो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, जब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखकर ही पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, 500 वर्षों, 200 वर्षों, 50 वर्षों और 100 वर्ष। तो ब्रिटिश शासन आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति आया उसका नाम था आपका वास्को डी गामा और वो आया था आपका 1498। लेकिन ये जो आया था इसने व्यापार किया, इसने शासन नहीं किया, ये इम्पोर्टेंट है। शासन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है आपकी 1700। देखो ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था सबसे पहले, प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके का शासन की एक नींव पड़ गई, मतलब एक बीज बो दिया गया था यहां से, और इसके बाद फिर से एक युद्ध होता है और जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है, जो 1764 में हुआ था। तो प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है कि क्या हुआ था, यहाँ पर आपका ब्रिटिश शासन का साम्राज्य यानी कि स्थापित हो चुका था, ठीक है। और इस समय व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव, कौन था, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और इसके बाद से लेकर 1947 तक, 1947 तक लगातार क्या रहा है आपका, 200 वर्षों तक का सफर रहा है ब्रिटिश शासन का भारत पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है इसी को कहा जाता है कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी
एक दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। अच्छा, आपने देखा है कि आपकी अगर आपके कपड़े पे कोई हल्दी वाला दाग लग जाता है, ठीक है, हल्दी वाला दाग लग जाता है और उस हल्दी वाले दाग को जब आप साबुन लगाते हो तो उसमें कलर चेंज होता है, कुछ ब्राउनिश सा हो जाता है, येलो और ब्राउनिश सा हो जाता है, तो वो क्यों होता है, किस कारण होता है? ठीक है, क्योंकि जो साबुन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, बेसिक होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है, इसी वजह से क्या होता है, साबुन का जो रंग जो कलर होता है कपड़े पर वो कैसा बदलने लगता है, आपका कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। फिर से वही चीज है, इसको यहाँ पर आप जान लीजिए रोजर फेडर है, लेकिन ये 18 का क्वेश्चन है आपका, 18 इतना पुराना भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस के ऐसे आए जिसमें, अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 2019 के पेपर में 16 तक के करंट अफेयर पूछा गया है, तो आई डोंट नो कि क्यों पूछा गया है, इतना पुराना पूछने का कोई मतलब नहीं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, और ये कहाँ पर है? ये है आपके रशिया में। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके रशिया में है। ठीक है, विश्व की गहरी कितनी गहरी झील है, तो इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो आप देखोगे कि 5387 फीट गहरी है। ठीक है, कितनी? 5387 फीट, ये क्या है? गहरी। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? चिपको मूवमेंट की बात करें तो ये भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो चिपको मूवमेंट आप क्या है? चिपको मूवमेंट जो था, विशेषकर जो आपकी देखो यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, तो उस समय आपका उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड के साथ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश अलग हुआ है 2000, उत्तराखंड अलग हुआ है 2000 में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, उत्तराखंड आंसर होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में एक मूवमेंट चलाया गया ग्रामीण लोगों के द्वारा, ठीक है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने क्या किया, पेड़ों के संरक्षण के लिए पेड़ों से चिपक कर एक मूवमेंट शुरू किया गया, जिसे क्या कहा गया, आपका चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल है आप सभी का कि घुमरा लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? पंजाब से, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला से। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए, घुमरा जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का प्रसिद्ध डांस फॉर्म है, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका उड़ीसा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ का है, घूमरा डांस फॉर्म जो है ये एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ पर किया जाता है, उड़ीसा राज्य में किया जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ का अगर क्लासिकल डांस फॉर्म पूछा जाए तो सिंपल है, कौन सा है कमेंट में बताओ। अब बात करेंगे कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाटों का अंतराल जो है वो है मणिपाल, पालघाट, मुदेर और मंगलौर। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है, तो पश्चिमी घाटों में गैप पाया जाता है, ठीक है, मेजर गैप पाया जाता है, और मैंने आपको बताया है कि पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट में पूरी की पूरी पहाड़ियां हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों के बीच बड़े बड़े से गैप हैं, उसी गैप को एक रास्ता बना दिया गया जिसे हम कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। तो यहाँ पर जो बना हुआ है वो कौन सा है? पालघाट। ठीक है, पालघाट, भोरघाट, पालघाट सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पालघाट बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगर मैं बात करूं तो पालघाट जो है ये रास्ता है,
जैसे कि मैंने बताया पहाड़ियों के बीच से रास्ता है, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, किससे जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का रास्ता है, याद रखिएगा। जो आपने देखा हो ना हसीन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे गाड़ियां चल रही है और गाड़ियां किसी पहाड़ी के बीच से जा रही है तो बहुत खूबसूरत सा व्यू लगता है, वो दर्रे ही होते हैं, ठीक है, वो दर्रे ही होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टान नहीं है। कायांत्रिक का मतलब है रूपांतरित, मतलब कि कोई चट्टान है और उसका क्या हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उस किसी और फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि कौन सा, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है, तो विंध्यन पर्वत पे। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, जब चट्टानी कराई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो विंध्यन पर्वत पर क्या होती है कायांत्रित, मतलब इसी फॉर्म में चूना पत्थर के फॉर्म में ही क्या मिलता है, केमिकल मिलता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका निर्माण वैसे बेसिकली जो भवन निर्माण होते हैं, ठीक है, भवन निर्माण होते हैं उसमें क्या जाता है। अगला सवाल है आप सभी का कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है, ठीक है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसका निर्वाह कारक क्या है, शिक्षा है, परिवहन है, समानता है या इंटरनेट है। अब गरीबी रेखा को अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, चलिए तो यहाँ पर आंसर जो है शिक्षा, ठीक है, किससे, किस फैक्टर से, ए फैक्टर से यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है आप सभी का कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई, जल्दी से बताओ। देखो आरबीआई की जो बेसिकली स्थापना है, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो भारतीय जितने भी आप समझो कि जो विश्व युद्ध चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो आर्थिक जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही संकटदायी थी, ठीक है, और उस समय आप फिर भारत के लिए भी एक वित्तीय समस्या कोई समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर जो है इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है, आंसर जो 1 अप्रैल 1935 आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि ओलंपिक 2000 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा जीती है किसी ने, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि अभी 2020 का ही आपको डाटा देखना है, तो उसको छोड़ देते हैं, ओलंपिक आपको सारा का सारा एक साथ कराऊंगी। अगला सवाल है छिमीदार और फलीदार पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार की मिट्टी की आपूर्ति करते हैं, ठीक है, जो फलीदार और पौधे होते हैं मिट्टी में किस चीज की आपूर्ति यहाँ पर करते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर एक राइजोबियम क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम टाइप का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजन विकसीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि आगा खां महल किस राज्य में स्थित है, आगा खां महल जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा कि आगा खां महल जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसको बनवाया गया था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तृतीय के द्वारा, तीन होगा ये बच्चे, चार मत लिख लेना, ठीक है, तृतीय के द्वारा, और कब बनवाया गया, 1892 में, कब बनवाया गया, 1892 में, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आगा खान पैलेस जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है आप सभी का कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, ठीक है, तो अगर मैं दक्षिण में बात करूं कि
कि जो चोल वंश था, ठीक है, जो चोल शासक हुए थे वो किस समय में हुए थे, 19वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 9वीं ईस्वी में, या फिर ईसा पूर्व में, या फिर 7वीं ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चोल पर नियंत्रण प्राप्त किया था, ठीक है, और पल्लवों को इन्होंने क्या किया था, जो चोल शासक आए थे इनका युद्ध हुआ था पल्लवों के साथ। ये सभी दक्षिण भारत में, आपको ये सारे शासक चोल पल्ले चालुक्य ये सभी आपको दक्षिण भारत में ही मिलेंगे, ये सारे शासक। तो याद रखिएगा कब की बात है, ये 9वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जैसे कि आप देखोगे श्रीलंका के पास जो तमिलनाडु केरल वाला पूरा क्षेत्र था, इसे इनका वहां पर अधिकार था। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है इसमें क्या शामिल होते हैं, जैविक अजैविक प्रतिजैविक रासायनिक भौतिक जैविक अजैविक और भौतिक और सामाजिक। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बायोटिक होते हैं और ए बायोटिक होते हैं। अब बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ कि सबसे पहला कानून मंत्री यहाँ पर कौन रहा है। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले कानून मंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, लॉ मिनिस्टर कौन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ए आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक गोल्डन पीरियड पूछा जाता है। आप पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी एंशियंट हिस्ट्री तो मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे ज्यादा स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा साहित्यिक तौर पर कल्चरल तौर पर या डिफरेंट डिफरेंट जैसे होता है ना कि आप अगर आप देखोगे कि एक देश में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो उसका गोल्डन पीरियड है। ऐसे ही आपका जो गुप्त काल था, ठीक है, जो गुप्त काल था ये सबसे ज्यादा क्या था, स्वर्ण काल कहलाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कला इंजीनियरिंग और जितने भी एक्सपेरिमेंट थे जितने भी खोजें थी ये सब के सब इस टाइम में सबसे ज्यादा। गोल्डन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर गोल्ड का सबसे ज्यादा काम हो रहा, ना ना ना। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, सोने की चिड़िया, उनको लगता है कि बहुत सोना था, सोना तो था ही, ऐसा नहीं है कि कमी थी, बहुत था। ठीक है, इसीलिए तो लोग कितना लूट लूट के ले गए हैं और एक नहीं 17-17 बाद आक्रमण करके लूट के लेने लेके जाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने 200 साल लगा दिए फिर भी मतलब ले जा नहीं पाए बहुत कुछ, मतलब उसका कुछ ही हिस्सा ले जा पाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, स्वर्ण युग, तो याद रखिएगा इसी सब कारणों से कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा है, गुप्त सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था आज का आपका सेशन और आप सभी ध्यान रखिएगा कि डेली शाम को 4 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो इसमें आना आप सभी बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है, डेली शाम को 4 बजे, और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी को लेकर टारगेट कर रही हूँ। तो जितने भी बच्चे जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं उन सभी को शेयर कर दो, है ना, जिससे कि सभी बच्चों को हेल्प हो जाए। वो मतलब हेल्प इन द सेंस की पढ़ाई जो कर रहे हो वहां पर आपको पता चले कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी या तो आप ही को करना पड़ेगा, हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे कुछ ट्रिक्स बताएंगे कुछ दिमाग में आपके डालने की कोशिश करेंगे कि भाई याद कर लो ये चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ही सारे का सारा तैयार करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरे साथ बनी रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।